नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में। बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और इसकी तैयारियां लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार की तरफ से अलग अलग विभागों में लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है, एक बार फिर से बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 4500 सीटों पर जो है वो वैकेंसी निकालने की जो है वो काम करने जा रही है। किन किन सीटों पर ये वैकेंसी निकल रही है और कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए बहाली निकाली है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी। प्रतिमाह 32,000 वेतन और 8,000 रुपए इंसेंटिव सहित 40,000 रुपए मिलेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर आवेदन भरने की विस्तृत ब्यौरा जो है वो उपलब्ध है। इससे पहले इन पदों के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने 9 मार्च को बहाली निकाली थी, लेकिन 12 मार्च को अपनी कार्य के बताते हुए इसे रद्द कर दिया गया। अब जारी की गई बहाली में भी विभिन्न वर्गों की रिक्तियों में कोई बदलाव नहीं है। अनारक्षित कोटे में इस बार भी रिक्त नहीं होने के कारण एक बार फिर से यह मुद्दा उठ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रिक्तियां रोस्टर के अनुसार ही निकाली गई है। अनारक्षित कोटे में पहले भी सभी पद भरे हुए थे, इसीलिए इस श्रेणी में रिक्त नहीं है। ये रिक्तियां बैकलॉग की गई है। इस बहाली में 65% आरक्षण का पेच अभी भी है। स्वास्थ्य विभाग सामान्य प्रशासन के निर्देश के अनुसार आगे निर्णय लेना है। अनारक्षित कोटे में पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए एक भी पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 145, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 78 पद है। सबसे अधिक अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1345 है, जबकि इसी वर्ग की महिलाओं के लिए 331 पद है। अनुसूचित जाति के लिए भी 1269 पद है, जबकि इसी वर्ग की महिलाओं के लिए 230 पद है। आवेदन करने वाले न्यूनतम की जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है अलग अलग कोटि के अलग अलग है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र जो है वो 42 वर्ष की है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष के लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 47 वर्ष है। दिव्यांग अभ्यर्थियों की उम्र की सीमा अधिकतम 10 वर्ष की छूट है, प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों के आवेदन में 5 वर्षों की भी छूट दी गई है। किस कोटि में कितने पद हैं तो आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़े वर्ग में 1345 है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला में 331 है, पिछड़े वर्ग में 702 है, पिछड़े वर्ग की महिला में 249 है, एसी में जो है वो 1269 है, एसी महिला में 230 है, एसटी में 95 है, एसटी महिला में 36 है, आर्थिक रूप कमजोर वर्ग से 145 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला में 78 है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी को नहीं रखा गया है। ये बहाली मार्च में निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है ये इसको भी रोक दिया गया था और एक बार फिर से उसी बहाली को निकाली गई है। अब देखना होगा कि जनरल कैटेगरी को जो नहीं ये कोटा दिया गया है, इसको लेकर अब आने वाले दिनों में क्या कुछ बवाल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।